हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप? उम्मीद है मुझे कि अच्छे होंगे और साथ में पढ़ाई का भी ध्यान रख रहे होंगे। हम बात कर रहे हैं एक्सरसाइज 7.5 चैप्टर 7 की। इंटीग्रेशन यानी सब बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। तो 7.5 एक्सरसाइज में, इससे पहले भी हमने सिंप्लीफाई कराई है, इससे पहले की वीडियोज में पार्शियल फ्रैक्शन से रिलेटेड है। जिस किसी को भी पार्शियल फ्रैक्शन नहीं मालूम है उसका मैंने कंसेप्ट बताया है, कैसे इंटीग्रेट होगा ये मेथड बताया है। तो अगर आपको देखनी है तो आप चैनल को सब्सक्राइब, अगर नहीं कर रखा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन में जाएं, आपको वहां पर वो वीडियो देखने को मिलेगी। पसंद आए तो आप उसको लाइक करें या दोस्तों को शेयर करें। और अब हम उससे आगे की बात करते हैं। तो हमने इससे पहले क्वेश्चन करा रखे हैं आपको बच्चों कि 13 तक करा दिए हैं, तो 14th नंबर वाले क्वेश्चन पर हम पहुंचते हैं। क्या लिखा हुआ है ये क्वेश्चन नंबर 14th? 3x-1 और डिवाइडेड बाय x+2 और इसका होल स्क्वायर, इसका मुझे इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, तो देखो बच्चों कि इसको जो हमने इंटीग्रेट करना है कि 3x-1, वैसे तो हम इसको पार्शियल फ्रैक्शन से भी कर सकते हैं। तो पार्शियल फ्रैक्शन के अलावा जैसे यहाँ पर x+2 लिखा है, तो अगर इसमें कहीं x+2 कॉमन आ जाए तो ये कुछ आसानी से हो सकता है। तो मैं क्या कर सकता हूँ कि इस वाले को मैं इस तरीके से कन्वर्ट कर सकता हूँ कि मैंने यहाँ पे लिखा 3x+2, ठीक है, और यहाँ आगे क्या लिख दिया, 3x+2 प्लस का या माइनस का 7 लिख देंगे। माइनस ही 7 आएगा तभी माइनस 7 बचेगा, अभी माइनस 1 है ना, तो 3 × 2 = 6 प्लस का आपको माइनस ये आ जाएगा। डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा मेरा कि x+2 और इसका होल स्क्वायर, ठीक है। अब मेरा काम क्या होगा कि मैं ये तो इसके भी नीचे है, इसके भी नीचे है, तो अब मैं इसको आसानी से कर सकता हूँ। देखो कैसे हो जाएगा, ये मैंने लिखा कि 3 और x+2, इंटीग्रेशन का साइन नहीं लगाया, कोई बात नहीं, अभी पहले हम थोड़ा सा सिंपलीफाई कर लें। और यहाँ लिखा मैंने माइनस, क्या आ जाएगा, 7 / x+2 इसका होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ इंटीग्रेशन का साइन लगा दिया, ये dx आ गया, और अब ये आपको दिखने लगा होगा कि क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, 3 तो बाहर आ गया और dx बचा x+2, ठीक है, -7 ये आ गया, dx आ गया और x+2 इसका होल स्क्वायर, ये t मान लिया तो क्या आ गया, 3 log x+2 आया, -7 आ गया। अब देखो इसको इंटीग्रेट करने के लिए क्या है कि t = x+2 मैं मान सकता हूँ, तो dt/dx आ गया, 1 आ जाएगा, dt = क्या आ जाएगा, dx आ जाएगा, ठीक है। तो अब t जो है वो क्या आ जाएगी कि 1/t का स्क्वायर और dt आ गया, और t के स्क्वायर को आप न्यूमरेटर में ले आए, -2 हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा मेरा, 3x+2 - 7 और इंटीग्रेशन ऑफ t - 2, और -1 कर देंगे, क्या मिल जाएगा हमें, इसका आंसर मिल जाएगा, ठीक है ना। तो ये इस तरीके से ये क्वेश्चन हो जाएगा। अब हम और आगे देखते हैं कि क्या है क्वेश्चन हमारा। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 15th पे आया, क्या है क्वेश्चन नंबर 15th?
क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा कि 1 डिवाइडेड बाय x की पावर 4 माइनस 1 15 1 डिवाइडेड बाय x की पावर 4 माइनस 1 और dx ये लिखा हुआ है यहाँ पर कि हाँ ये लिखा हुआ है। तो देखो बेटा एक सिंपल सा पार्शियल फ्रैक्शन का क्वेश्चन है, हम इसके क्या कर सकते हैं, फैक्टर कर सकते हैं। फैक्टर कर देंगे तो ए बी सी की वैल्यू आ जाएगी। इसके फैक्टर कर लेते हैं, पहले क्या आ गया मेरा कि एक्स माइनस बनाएगा, एक्स प्लस बनाएगा और एक्स का स्क्वायर प्लस का बनाएगा, ठीक है, और डी एक्स आ जाएगा। अब इसको हटा देते हैं, पहले थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे फिर उसके बाद इसको इंटीग्रेट करते रहेंगे। तो ये क्या आ जाएगा, ए डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वन प्लस बी डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वन और प्लस यहाँ पर इसके लिए क्या बनता है मेरा बी एक्स प्लस सी बनता है। तो ये आ गया मेरा बी एक्स प्लस का सी और डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस का वन, ठीक है। तो अब इसमें कह रहे हैं कि एलसीएम ले लेंगे, ऐसा आ जाएगा, नीचे कैंसिल हो जाएगा ए बी सी, नहीं यहाँ पे बी एक्स प्लस सी हम इसलिए नहीं रखेंगे कि ये दोनों वेरिएबल हम पहले ही यूज कर रखे हैं। तो ए बी सी यहाँ लिख लिया और डी लिख लिया, ठीक है। अब ए बी सी डी सभी की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, जैसे हम पहले की वीडियो में इंटीग्रेट करते रहे उस तरीके से ये इंटीग्रेट हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा क्या बचेगा, एक्स माइनस वन एक्स प्लस वन और एक्स स्क्वायर प्लस का वन, एक्स माइनस वन कैंसिल हो गया तो ए के साथ क्या आ जाएगा एक्स प्लस वन एक्स का स्क्वायर प्लस का वन प्लस बी के साथ में क्या आ जाएगा, ये हट गया तो एक्स माइनस वन और एक्स स्क्वायर प्लस का वन और प्लस क्या आ जाएगा कि सी एक्स प्लस डी और सी एक्स प्लस डी के साथ में ये नहीं आएगा तो ये आ जाएगा। इसको हम कहाँ लिखें कि यहाँ लिख दिया सी एक्स प्लस डी और इसके आगे आ गया यहाँ से हटा दिया, इसको दो जगह नहीं लिखेंगे, x माइनस वन और x प्लस का वन, ठीक है। डिनोमिनेटर वाले तो एक जैसे हैं, अल्टीमेटली क्वेश्चन क्या बनेगा कि हमारा ये वन इज इक्वल टू और ये सारी टर्म्स आ जाएंगे जिनको हम मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद क्या करते हैं कि कोफिशियंट्स को इक्वेट किया करते हैं और ए बी सी डी की वैल्यू आ जाएगी। वो ए बी सी डी की वैल्यू आप वापस यहाँ पर क्या करेंगे, पुट करेंगे, आसानी से ये इंटीग्रेट हो जाएगा, ठीक है। ये तो लॉग में आ जाएंगे, जो भी मान लो ए की वैल्यू वन आई तो क्या आ जाएगा लॉग एक्स माइनस वन, बी की वैल्यू मान लो कि माइनस वन आई तो ये क्या आ जाएगा कि माइनस का लॉग एक्स प्लस वन, ठीक है। यहाँ पर जो भी वैल्यू आएगी तो दोनों तरफ जाना चाहिए, या तो कट जाएगा या दोनों तरफ जाएगा, ठीक है। और ये किसके लिए होता है, टेन इनवर्स के लिए फार्मूला होता है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन क्या होगा कि हो जाएगा और इसे आगे आप खुद करेंगे। आगे देखते हैं कि क्या है नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में। बेटा जितना ज़्यादा आप कोशिश करेंगे क्वेश्चन को करने के लिए उतना ही ज़्यादा आपको बेनिफिट होगा। वे हम आपको क्या बता सकते हैं कि तरीका बता सकते हैं, कोई क्वेश्चन किस तरीके से होगा वो मेथड हम आपको बताया जा सकता है, लेकिन जितने ज़्यादा क्वेश्चन आप करेंगे उतने ही ज़्यादा बेनिफिट आपको होगा। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है कि मुझे दे रखा 1 डिवाइडेड बाई एक्स की पावर एक्स दे रखा है, एक्स की पावर एन प्लस का वन और लिखा हुआ है यहाँ पर डी एक्स, नहीं लिखा हमने लिख लिया, ठीक है। इसने कहा भी कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को एक्स की पावर एन माइनस वन से क्या कर दें, मल्टीप्लाई कर दें, कर देखते हैं। तो ये मेथड है इसके करने का, तो ये एक्स आ गया इंटू एक्स की पावर एन माइनस वन हो गया और एक्स की पावर एन प्लस का वन और डी एक्स, इस तरीके से ये होगा, ठीक है। तो ये ऊपर वाला तो हमारा क्या बन गया एक्स की पावर एन माइनस वन और नीचे आ गया एक्स की पावर एन और एक्स की पावर एन प्लस का वन और डी एक्स। अब ये आसानी से होता दिख रहा है, हमने मान लिया कि लेट टी इज इक्वल टू एक्स की पावर एन डी टी अपॉन में डी एक्स, मेरा क्या आ जाएगा, डिफ्रेंशिएशन है इसका, एन आगे आ गया एक्स की पावर एन माइनस वन आ गया, ठीक है। ये एन कहाँ आ जाएगा, वन बाई एन आ जाएगा,
डी टी आ जाएगा एक्स की पावर एन माइनस वन और डी एक्स आ गया, यानी इतने वाला टर्म्स क्या हो गई यहाँ से रिमूव हो गई इसके साथ में। तो मैं इसको लिख सकता हूँ वन बाई एन और डी टी लिख लिया, और फिर आप देखेंगे कि यहाँ पे टी रखा और इसके अंदर टी प्लस वन रख लिया, ठीक है। अब इसको करने के लिए हमारे पास क्या मेथड है, पार्शियल फ्रैक्शन लगा लेंगे। ये क्या बन जाएगा मेरा कि वन ए अपान में टी और प्लस क्या दूसरा लिख लूँ कि बी डिवाइडेड बाई टी प्लस का वन, ठीक है। एलसीएम ले लेंगे, टी आ जाएगा टी प्लस वन आ जाएगा, क्या आ जाएगा ए आ जाएगा टी प्लस वन आ जाएगा प्लस का बी और टी आ जाएगा, ठीक है। इसको किसके साथ में हम इक्वेट कर देंगे, जो न्यूमरेटर का कोफिशियंट है उसके साथ में हम इसको इक्वेट कर देंगे, ए और बी की वैल्यू आ जाएगी, वापस हम यहाँ पर प्लॉट कर देंगे, क्या हो जाएगा इंटीग्रेट हो जाएगा ये इस तरीके से, ठीक है। और आगे क्वेश्चन देखते हैं कि क्या थोड़ा सा अलग से क्वेश्चन आएंगे आगे, लेकिन हैं सारे बहुत ही सिंपल से। पॉज द वीडियो एंड कॉपी इट। तो ये क्या कह रहा है क्वेश्चन नेक्स्ट वाला, हमें दे रखा है cos x डिवाइडेड बाई, क्वेश्चन नंबर 17 है ये, कि cos x और डिवाइडेड बाई 1 माइनस साइन एक्स, और क्या दे रखा है कि 2 माइनस साइन एक्स डी एक्स, ठीक है। आसान सा ही दिख रहा है, ये साइन एक्स को टी मान लेते हैं, कॉस एक्स डी एक्स हट जाएगा, आंसर आ जाएगा इसका। तो हमने मान लिया कि लेट टी इज इक्वल टू साइन एक्स, तो डी टी अपान में डी एक्स क्या बन गया हमारा कॉस एक्स आ गया, तो डी टी इज इक्वल टू क्या आ गया कॉस एक्स और डी एक्स आ गया। तो ये इतना पार्ट हमें हटता हुआ दिखाई दे रहा, क्या बच जाएगा कि डी टी आ जाएगा और डिवाइडेड बाई वन माइनस टी और टू माइनस टी, ये किसके बराबर मान लूँ मैं इसको, इस ये हटा दिया हमने और यहाँ पे हमने लिख लिया, पहले वैल्यू निकालते हैं। तो ये ए आ गया वन माइनस टी आ गया और प्लस बी आ गया और टू माइनस टी आ गया। हमने आपको बताया था कि जब भी इस टाइप का फंक्शन आ जाए तो आप क्या करेंगे, अभी बताते हैं फिर से एक बार, जिन बच्चों ने इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी उसको यहाँ से जानकारी मिल जाएगी। वन माइनस टी आ गया, ठीक है, इज इक्वल टू वन आ गया, हमें यहाँ पे टू माइनस टी है, तो एक बार मैं टी इज इक्वल टू टू पुट कर दूँ और एक बार टी इज इक्वल टू क्या पुट कर दूँ वन पुट कर दूँ। तो अगर टी यहाँ पर पुट करोगे, टी इज इक्वल टू टू पुट करोगे तो ये इतना जीरो हो जाएगा, और टू अगर यहाँ पे पुट करोगे तो टू वन माइनस टू तो माइनस बी आ जाएगा, तो वन इज इक्वल टू माइनस बी, तो बी इज इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा बी इज इक्वल टू माइनस वन आ जाएगा। फिर मैंने t इज इक्वल टू वन पुट किया तो ये जीरो हो जाएगा, तो टू माइनस वन यहाँ लिख देता हूँ, तो टू माइनस वन बन रहा, तो a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा वन आ जाएगा। अब ये b की वैल्यू माइनस वन यहाँ पुट कर देंगे, a की वैल्यू वन यहाँ पर पुट कर देंगे, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा, ठीक है ना। और मुझे क्या करना होगा बाद में, t की जगह पर साइन x वापस लाना होगा, क्योंकि मुझे फंक्शन तो किसके फॉर्म में दे रखा है एक्स के फॉर्म में दे रखा है, तो जब फंक्शन एक्स के फॉर्म में है तो आंसर भी मुझे एक्स के फॉर्म में ही चाहिए, ठीक है, इसलिए हम उसमें कन्वर्ट करके लाएंगे। और आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में लिखा हुआ है कि एक्स स्क्वायर प्लस वन, एक्स स्क्वायर प्लस का वन और लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस का टू डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस का थ्री और एक्स स्क्वायर प्लस का फोर, इस टाइप से ये गिवन है। तो बहुत सारे स्क्वायर लगे हुए हैं, तो हम क्या करते हैं कि हमने लिख लिया कि लेट t इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, मतलब जहाँ कहीं पर भी एक्स स्क्वायर है हम उसको क्या पुट कर दें t पुट कर दें। तो देखते हैं पुट करके क्या बनेगा हमारा, कि t प्लस वन आ जाएगा
और t प्लस टू आ जाएगा, डिवाइडेड बाई t प्लस थ्री आ जाएगा और t प्लस फोर आ जाएगा। ठीक है, इसको पहले ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करें तब हम देखते हैं कि क्या बनेगा। तब डिवीजन करना पड़ेगा, वो इसलिए कि दोनों की डिग्री सेम होगी, इसलिए हमें डिवाइड करना पड़ेगा इसको, या जब इसको सिंप्लीफाई कर रहे होंगे हो सकता है कि कोई और भी ऑप्शन सामने आ जाए। तो मैंने इसको मल्टीप्लाई किया तो ये क्या बना कि टी का स्क्वायर प्लस टू टी प्लस टी प्लस का टू और डिवाइडेड बाई टी प्लस थ्री और क्या आ गया टी प्लस फोर आ गया। दिस इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस थ्री टी प्लस का टू, और इसको भी मल्टीप्लाई कर दें क्योंकि मुझे डिवीजन लगाना ही पड़ेगा, इनका फैक्टर जो है वो तो यही आएगा, तो इसका मल्टीप्लीकेशन करके यही लिख लेते हैं। क्या आएगा कि टी का स्क्वायर और प्लस का फोर टी और प्लस का थ्री टी और थ्री फोर जा ट्वेल्व हो गया, तो ये आ गया मेरा टी स्क्वायर प्लस सेवन टी और प्लस का ट्वेल्व। अब आपको इससे पहले बताया हमने कि अगर डिग्री सेम है तो हमें कहाँ लेकर के जाना पड़ेगा, इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में लेकर के जाना पड़ेगा। तो इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बनाने के लिए हमें क्या करना है कि इसमें इसका डिवीजन लगाना है। तो डिवीजन लगाने के लिए जानते हैं कि भाई डिवीजन किस तरीके से लग जाता है, थोड़ा सा लगाना, बहुत ज़्यादा नहीं, टी स्क्वायर प्लस थ्री टी प्लस का टू, और यहाँ लिखा टी का स्क्वायर प्लस सेवन टी और प्लस का ट्वेल्व, तो टी स्क्वायर से वन आ गया यहाँ पे, तो ये क्या बन गया टी स्क्वायर प्लस सेवन टी और प्लस का ट्वेल्व। साइन चेंज हो गए, पहले वाला कैंसिल हो गया, माइनस फोर टी और माइनस का टेन। ठीक है, अब आप देखो कि इस फंक्शन को हम क्या लिख सकते हैं कि वन प्लस और माइनस में है दोनों, चलो पहले यहाँ लिख लिया कि फोर टी माइनस का टेन डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा मेरा डिनोमिनेटर में टी का स्क्वायर प्लस सेवन टी प्लस का ट्वेल्व। ठीक है, अब देखो इसका तो इंटीग्रेशन किया जा सकता है, टी के बराबर होगा और टी किसके बराबर होगा एक्स स्क्वायर के बराबर होगा। इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा कि इसको मुझे फिर पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके पहुंचाना होगा। ठीक है, मतलब ये माइनस मैं यहाँ पे कॉमन ले लूँगा या माइनस आ जाएगा, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ कि वन और माइनस और चाहे तो हम टू भी कॉमन ले सकते हैं, तो फोर टी प्लस टेन हो जाएगा और डिवाइडेड बाई टी का स्क्वायर प्लस सेवन टी प्लस का ट्वेल्व। अब इतने को मैं अलग से इंटीग्रेट कर लेते हैं, बताते हैं आपको कि कैसे इंटीग्रेट होगा। ये वही पार्शियल फ्रैक्शन वाला मेथड हम यहाँ पे अप्लाई कर देंगे। तो ये मेरा क्या है कि 4t प्लस का 10 और डिवाइडेड बाई ये इनका मल्टीपल था तो t प्लस 3 आ गया और t प्लस 4 आ गया। दिस इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा a t प्लस 3 आ गया प्लस b क्या आ गया t प्लस 4 के इक्वल आ गया। अब इनका हम फिर से एलसीएम ले लें, फिर हम a और b की वैल्यू फाइंड आउट करें, वापस यहाँ पर पुट करें। ठीक है, पुट करने के बाद क्या होगा कि इंटीग्रेट हो जाएगा, इंटीग्रेशन करने के बाद t की जो वैल्यू है एक्स स्क्वायर वो वापस हम यहाँ पर एक्स स्क्वायर पुट कर देंगे। ठीक है, और साथ में क्या होगा कि इस वन का भी इंटीग्रेशन आपको करना होगा, वन का पता ही है और a और b की वैल्यू हम निकाल ही सकते हैं बहुत आसानी से। ठीक है, तो ये क्या आ गया मेरा t प्लस थ्री आ गया, t प्लस फोर आ गया। ठीक है, तो इसको क्या आ गया a और t प्लस फोर हुआ प्लस b और t प्लस थ्री हो गया। एक बार आप पुट कर दो कि t इज इक्वल टू माइनस फोर और एक बार पुट कर दो माइनस थ्री, माइनस फोर इधर भी पुट करना पड़ेगा, t इज इक्वल टू माइनस फोर यहाँ पर भी, तो माइनस का 16 और प्लस का 10 माइनस का 6 हो गया और माइनस फोर यहाँ पुट किया तो 0 हो गया, माइनस फोर यहाँ पुट किया तो माइनस का 1 बचा, तो माइनस बी माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, बी की वैल्यू क्या आ गई 6 आ गई। अब टी इज इक्वल टू माइनस थ्री यहाँ पुट किया तो ये 0 हो गया, माइनस थ्री और ये आ गया तो ए इज इक्वल टू क्या आ जाएगा ए और माइनस थ्री यहाँ पर भी 3 फोर या 12 तो माइनस का 2 आ जाएगा, तो ए की वैल्यू माइनस 2 आ गई। अब देखो बी की वैल्यू 6 यहाँ पर भी और ए की वैल्यू माइनस 2 यहाँ पर, तो इनको आसानी से इंटीग्रेट किया जा सकता है लॉग के फॉर्म में। अब जब ये लॉग के फॉर्म में इंटीग्रेट हो जाएगा तो क्या है कि वापस हम टी की जगह पे एक्स स्क्वायर पुट कर देंगे, आपको क्या मिलेगा आंसर मिल जाएगा।
ठीक है, पॉज द वीडियो एंड कॉपी इट। नेक्स्ट वाला भी बेटा क्वेश्चन कुछ ऐसा ही है, बस थोड़ा सा चेंज है, बताते हैं उसको कि कैसे होगा। तो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि 2x, क्वेश्चन नंबर 19 है ये, कि 2x डिवाइडेड बाय x का स्क्वायर प्लस का 1 और x का स्क्वायर प्लस का 3 और d है। ये थोड़ा ज़्यादा आसान सा दिख रहा है। यहाँ हमने मान लिया कि लेट t इज इक्वल टू x का स्क्वायर dt अपॉन में dx क्या हो गया, 2x हो गया। तो dt इज इक्वल टू किसके बराबर हो गया, 2x और dx के बराबर हो गया। तो ये पार्ट तो क्या हुआ, एलिमिनेट हो गया। फंक्शन हमारा अल्टीमेटली क्या बन गया, यहाँ पर तो क्या आ जाएगा, ऊपर dt आ जाएगा, नीचे मैंने x स्क्वायर की जगह पर t पुट कर रखा, तो t प्लस 1 आ जाएगा और t प्लस 3 आ जाएगा। ये किसके बराबर हो जाएगा, इसको फिर से लिख लेते हैं, यहाँ पर इंटीग्रेशन का साइन हटा देते हैं। 1 डिवाइडेड बाई क्या लिखा हमने, t प्लस 1 और t प्लस 3 रखा, ये क्या बन गया मेरा, a डिवाइडेड बाई t प्लस 1 प्लस b डिवाइडेड बाई t प्लस 3। आसान सा काम है, a और b की वैल्यू आ जाएगी, लेकिन इंटीग्रेट t के फॉर्म में होकर के जाएगा। तो जब ये t के फॉर्म में इंटीग्रेट होगा तो आपको t की वापस ये वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, वो क्या होगा कि इसका आंसर आएगा। ठीक है, तो आगे भी एक आध क्वेश्चन दे रखा है, वो भी कुछ इसी तरीके का है, और अगर आप उनको ट्राई करेंगे तो मेरे हिसाब से आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, और आप उनको आसानी से फिर क्या होगा कि कर पाएंगे। ठीक है, एक में मुझे क्या दे रखा है, एक में दे रखा है कि 1 डिवाइडेड बाई एक्स और ब्रैकेट के अंदर एक्स की पावर 4 माइनस 1, 4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो और x की पावर 4 को t मान लेंगे, पार्शियल फ्रैक्शन के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। और एक में दे रखा है मैं क्या कि e की पावर x, तो e की पावर x से क्या करेंगे आप, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे और फिर e की पावर x को t के बराबर सपोज कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये तो था ये एक्सरसाइज, उम्मीद है कि आपको पसंद आएगी। और बेटा मैथमेटिक्स ऐसा सब्जेक्ट है जिसको आपने खुद जरूर करना होगा, जैसे मैं बताता जा रहा हूँ तो आपको लगता है कि बड़ा आसान सा काम है, ठीक है ना, लेकिन जब आप करोगे तो कहीं ना कहीं आपको स्ट्राइक करना पड़ेगा, आपको लगेगा कि इसके बाद क्या होगा, इसके बाद क्या होगा। तो जब आप उनको करोगे एक दो बार तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा और फिर आप नहीं भूलेंगे। ठीक है, तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, अपने यार दोस्तों को शेयर करें। थैंक यू, जय हिंद।